मैं पॉल एविटर हूँ। मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर से एक संक्रामक रोग चिकित्सक हूँ। एंटीवायरल उपचारों में एंटीबॉडी आधारित उपचार शामिल हैं। हालांकि एक एंटीवायरल दवा है जो एक अच्छी तरह से किए गए ट्रायल में बहुत प्रभावी साबित हुई है और उस दवा का नाम है रेमडेसिविर। ये मूल रूप से हेपेटाइटिस सी के लिए विकसित किया गया था और इबोला वायरस परीक्षणों में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पता चला है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भी इसकी बहुत अच्छी गतिविधि है। ट्रायल वन नाम के ट्रायल को महामारी के शुरुआती वक्त पर किया गया था और इसके प्राथमिक अंत बिंदु में पाया गया कि जो रोगी अस्पताल में भर्ती होने के लिए काफी बीमार हैं और अगर उन्हें रेमडेसिविर दी जाती है तो उनकी बीमारी की अवधि औसतन 5 दिन से भी कम हो जाती है। इस सुधार में मृत्यु दर में कमी की दिशा में कुछ रुझान भी शामिल थे, लेकिन इस अध्ययन में दरअसल नहीं थी। इसमें मृत्यु दर को दर्शाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे, इसीलिए दवा का उपयोग ज्यादातर उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास ऑक्सीजन का सैचुरेशन 94% से कम है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और बाद में महामारी में किए गए और भी कई स्टडीज से पता चला है कि अगर दवा का उपयोग किया जाता है तो लक्षण और बीमारी की अवधि में कमी होती है। अगर दवा बीमारी में देर से शुरू की जाती है तो इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बीमार व्यक्ति आईसीयू में है, रेमडेसिविर का उपयोग अक्सर सूजन रोधी कॉर्टिकोस्टेरॉयड डेक्सामेथासोन या अन्य सूजन रोधी कॉर्टिकोस्टेरॉयड डेक्सामेथासोन या अन्य सूजन रोधी कॉर्टिकोस्टेरॉयड जैसे कि मेथाइल प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन के स्टडीज के साथ किया जाता है, जिसमें उन रोगियों में भी सुधार देखा गया है जो अस्पताल में पूरी तरह से ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और अपनी बीमारी के अंतिम पड़ाव पर हैं।